नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चक दे क्रिकेट में। मैं हूं दिव्यांशु और हाजिर हूं क्रिकेट से जुड़ी टॉप 11 खबरों के साथ। दिनेश कार्तिक ने भारतीय टीम में वापसी पर दी बड़ी प्रतिक्रिया। दोस्तों, अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक पूरे 3 सालों के बाद टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे। जी हाँ, उनका चयन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से शुरू हो रहे घरेलू T20 सीरीज के लिए हुआ है। भारतीय टीम में वापसी होने पर कार्तिक बेहद खुश हैं और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया पर किया है। 3 साल बाद भारतीय टीम में जगह मिलने पर दिनेश कार्तिक बेहद खुश हैं। उन्होंने बोर्ड का आभार जताते हुए बड़ा बयान दिया है। दिनेश कार्तिक ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर एक भावुक और दिल जीतने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो सब कुछ ठीक होगा। आप सभी का धन्यवाद मेरा सपोर्ट करने के लिए और मुझ पर भरोसा रखने के लिए। कठिन परिश्रम जारी है। गौरतलब है कि कार्तिक ने इस IPL सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया है। RCB की तरफ से खेलते हुए उन्होंने पारी की अंत में काफ़ी तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए बेहद ही उपयोगी पारी खेली। आज अगर किसी तरह RCB ने प्लेऑफ्स में जगह बनाई है, उसमें दिनेश कार्तिक का बड़ा योगदान है। इस सीजन में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों में दिनेश कार्तिक टॉप पर हैं। निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद रोहित शर्मा को है अपनी टीम पर गर्व। यह IPL सीजन मुंबई इंडियंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं बीता, लेकिन फिर भी कप्तान रोहित शर्मा अपनी टीम के खिलाड़ियों और प्रदर्शन से काफ़ी खुश हैं और उन्हें टीम पर गर्व है। हाल ही में मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा IPL 2022 में अपने अनुभवों को साझा करते हैं। 2 मिनट 35 सेकंड के इस वीडियो में रोहित ने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन सबसे खास बात उन्होंने टीम और टीम के खिलाड़ियों के लिए कही। रोहित ने कहा, मैंने कई बार देखा है जहां टीमें मैच नहीं जीत रही हैं, आप आसानी से निराश हो सकते हैं और यह कहना बहुत आसान है कि टीम है नहीं, मेरा काम हो गया, मैं इसे दोबारा नहीं करना चाहता। मैंने यह नहीं देखा कि किसी से छोड़ दो, और आप जब आप अपने मौसम में थोड़ी अशांति कर रहे हों तो ऐसा होना तय है कि लोग दूर जा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा। जब इस टीम की बात आती है तो मुझे लगता है कि एक चीज़ जो हमने यहाँ अच्छी की है वह है एक परिवार के रूप में साथ रखना। यहाँ तक कि हमने 8 में से 8 गवाए, लेकिन एक साथ थे और वे बस दर्द कर रहे थे और वे हर गेम में बाहर आना चाहते थे। इस बात पर मुझे गर्व है। आज खेला जाएगा पहला क्वालिफायर, जीतने वाले को मिलेगा फाइनल का टिकट। आज IPL के 15वें सीजन यानी IPL 2022 का पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी फाइनल में सीधे प्रवेश करेगी, वहीं हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। हारने वाली टीम एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम से दूसरे क्वालिफायर में भिड़ेगी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस, जो अपना पहला IPL खेल रही है, जबरदस्त प्रदर्शन कर टॉप पर है, प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स दूसरे नंबर पर है। ऐसे में कोलकाता में होने वाला यह मुकाबला पैसा वसूल होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में कौन सी टीम पहुंचती है। उमरान के राष्ट्रीय टीम में चयन पर घर परिवार में जश्न का माहौल। SRH के तेज गेंदबाज उमरान मलिक का चयन आखिरकार भारतीय टीम में हो ही गया। IPL के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत का दौरा करेगी। हाँ, दोनों देशों के बीच पहले 5 मैचों की T20 सीरीज और उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में उमरान मलिक का भी नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि उमरान का सपना सच होने वाला है जब वो भारत की तरफ से खेलेंगे। उमरान के चयन के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। उमरान मलिक के घर जम्मू कश्मीर में उनके परिवार और दोस्त उनके भारतीय टीम में चयन पर जमकर जश्न मना रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उमरान के चयन पर उनके पिता ने कहा, इतना प्यार देने के लिए मैं देश का शुक्रगुजार हूँ, यह सब बेटे की मेहनत की वजह से है, वह देश को गौरवान्वित करेगा। भारतीय टीम में नहीं चुने जाने पर धवन का छलका दर्द। पिछले साल UAE में हुए T20 वर्ल्ड कप में चयन नहीं होने पर भारतीय टीम के अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का दुख छलका है और साथ ही उन्होंने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। पिछले साल UAE में हुए T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में नहीं चुने जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन ने कहा, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। पिछले साल भारतीय टीम को लीड करना एक सपना पूरा होने जैसा था।
टी20 वर्ल्ड कप के लिए मैं यही कहूंगा कि सेलेक्टर्स को लगा चुने गए खिलाड़ी मुझसे बेहतर हैं और यह ठीक भी है। आगे शिखर धवन ने कहा, सेलेक्टर्स जो भी फैसला लेते हैं मैं उसका सम्मान करूंगा। ऐसा लाइफ में होता रहता है, हमें इसे स्वीकार करना पड़ता है। हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। मेरा फोकस सिर्फ उस पर है जिस पर मैं कंट्रोल कर सकता हूं और मुझे उन अवसरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है जो मुझे मिल रहे हैं। गौरतलब है कि आईपीएल के बाद होने वाले दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ द्विपक्षीय सीरीज के लिए भी शिखर धवन का चयन नहीं किया गया, जबकि उन्होंने इस आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। राहुल त्रिपाठी के चयन न होने पर हरभजन सिंह निराश। आईपीएल के बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाले 5 मैचों की घरेलू टी20 सीरीज के लिए भारत ने 18 सदस्यीय टीम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों को आईपीएल में दमदार प्रदर्शन का इनाम मिला, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें अच्छे प्रदर्शन के बावजूद नज़रअंदाज किया गया, जिसमें से एक नाम है राहुल त्रिपाठी का। दाएं हाथ के इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज ने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी की है। उन्होंने आईपीएल 2022 में 14 मैचों में 37.55 की औसत और 158.24 की स्ट्राइक रेट से 413 रन बनाए हैं, लेकिन इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनको चयनकर्ताओं ने नज़रअंदाज किया है। त्रिपाठी के चयन नहीं होने से फैंस तो नाराज हैं ही, कुछ क्रिकेट के दिग्गजों ने भी अपनी नाराजगी जताई है। पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल त्रिपाठी का नाम टीम में नहीं देख निराश हूं, वह एक मौके का हकदार था। शिखर धवन ने रचा इतिहास। रविवार को खेले गए आईपीएल 2022 के अंतिम लीग मैच में पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे पहले 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा 22 मई को खेले गए मैच में हैदराबाद के खिलाफ हासिल की। पंजाब के बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन ने जैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2022 के आखिरी लीग मैच में पहला चौका जड़ा, वैसे ही इस लीग में वो 700 चौके जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। दिलचस्प बात तो ये है कि इस लीग में अभी तक ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं रहा है जिसने 600 चौके जड़े हैं, लेकिन गब्बर ने 700 से ज़्यादा चौके जड़ दिए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हार के बावजूद कोच पॉन्टिंग कर रहे हैं पंत की तारीफ। मुंबई इंडियंस के खिलाफ अहम मैच में मिली हार के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने कप्तान ऋषभ पंत को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कप्तानी के लिए ऋषभ पंत बेहतरीन विकल्प हैं। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई इंडियंस के खिलाफ हर हाल में मुकाबला जीतना जरूरी था। हालांकि उन्हें 5 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा और टीम आईपीएल 2022 से बाहर हो गई, जिस वजह से दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत की खूब आलोचना हो रही है, लेकिन कोच रिकी पॉन्टिंग ने उनका पूरा सपोर्ट किया है। पॉन्टिंग ने मैच के बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि पिछले सीजन में भी ऋषभ पंत कप्तानी के लिए बेहतर विकल्प थे। श्रेयस अय्यर की इंजरी के बाद जब उन्हें कप्तान बनाया गया था तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया था। वो अभी युवा खिलाड़ी हैं और कप्तानी सीख रहे हैं। टी20 टीम का कप्तान होना और वो भी इतने बड़े हाई प्रेशर वाले टूर्नामेंट में आसान काम नहीं है। यहाँ पर आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ का आकलन किया जाता है। उन्हें निश्चित तौर पर मेरा पूरा सपोर्ट है। पुजारा ने वापसी पर दिया बड़ा बयान। भारतीय टीम में वापसी के बाद चेतेश्वर पुजारा ने कहा है कि आईपीएल में नहीं खेलना उनके लिए वरदान साबित हुआ। पुजारा का मानना है कि यदि उन्हें किसी टीम ने खरीद भी लिया होता तो भी उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। पुजारा ने कहा, यदि मुझे किसी आईपीएल टीम ने खरीद भी लिया होता तो भी इस बात की अधिक उम्मीद थी कि मुझे एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। मैं केवल नेट्स में जाकर प्रैक्टिस करता। नेट्स में प्रैक्टिस करना और मैच खेलने में काफ़ी अंतर होता है। यही कारण था कि मैंने काउंटी के लिए हाँ बोला था। मैंने काउंटी को इसलिए हाँ बोला था क्योंकि मैं अपनी पुरानी लय को वापस हासिल करना चाहता था। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भारत की टी20 टीम में चुने जाने के बाद कही बड़ी बात। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम में अपने चयन को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर कोई अपने देश के लिए खेलने का सपना देखता है और मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे इंडियन टीम में सेलेक्ट किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में चयन पर प्रतिक्रिया देते हुए अर्शदीप सिंह ने कहा, इंडियन टीम में चुने जाने से मैं काफ़ी खुश हूँ। मुझे मैच से तुरंत पहले पता लगा कि मेरा चयन हो गया है।
ये मेरे लिए काफ़ी शानदार फीलिंग थी। मैच की वजह से ज़्यादा कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन सुबह तक मुझे खुशी का अंदाज़ा होगा। हर कोई अपने देश के लिए खेलना चाहता है। मैं काफ़ी लकी महसूस कर रहा हूँ और फ्यूचर में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करता हूँ। साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम पर आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय T20 टीम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सेलेक्टर्स को इस सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम का चयन नहीं करना था। उनके मुताबिक बाद में चयनकर्ताओं को पछतावा होगा कि उन्होंने इतनी बड़ी टीम का चयन क्यों किया, क्योंकि वो ज़्यादा प्लेयर्स को मौका नहीं दे पाएंगे। अपने YouTube चैनल पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 18 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है और कहानी ये है कि 5 तेज गेंदबाजों और 4 स्पिनर्स का चयन किया गया है। जब आप 18 खिलाड़ियों का चयन करते हैं तो हर किसी को मौका नहीं दे पाएंगे। इससे आपको बाद में पछतावा होगा कि आपके पास ऑप्शन था लेकिन सभी खिलाड़ियों को ट्राई नहीं कर सके। आप कोविड के समय बड़ी टीम का चयन करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड चला गया है, लेकिन अब आप नॉर्मल टीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये थे क्रिकेट के टॉप 11 खबर। अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल ये है कि ईडन गार्डन्स में होने वाला पहला क्वालिफायर मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, गुजरात या राजस्थान? आप अपने जवाब कमेंट करके दे सकते हैं। दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।